नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो शाम के 5 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ। कौन कौन जुड़ चुके हैं भाई, कितने लोग हैं? चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ अमरजीत कुमार, छोटू, मनीषा, स्वीटी, चंदन, पवन, छोटी शर्मा, वैद्यनाथ मुखिया। क्या बात है यार, कैसे कैसे नाम रखते हो आप लोग, पता नहीं क्या सोच कैसा नाम रखते हो ऐसा। वैद्यनाथ मुखिया तो पता नहीं, कोई एक याद करिए, एक बार हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो एक जहरीला मगरमच्छ करे कोई आता था, मतलब ऐसे ऐसे फनी नाम, जानबूझकर ऐसे नाम रखे जाते हैं ताकि नजर पड़े। लेकिन सर पता है ऐसे इससे क्या होगा कि आपका जो वास्तविक नाम है, जो वास्तविक पहचान है, वो खोता चला जाओगे। इसीलिए अपने वास्तविक नाम से जाना चाहिए, वास्तविक नाम से अपने अपनी पहचान को बनाकर रखिए। नहीं चलिए तो आज चलते हैं और देखते हैं कि साइंस के मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको बताया कि थर्सडे और फ्राइडे दो दिन जो क्लासेस आपको मिली नहीं स्टूडियोज पे, उसके पहले आपको रिकॉर्डेड क्लास मिला करती थी। लेकिन आज मत कहना कि सर आज रिकॉर्डेड क्लास है, आज मत कहना कि आज आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, पाप लगेगा, मात्रा रानी पाप देगी अगर आज कहोगे रिकॉर्डेड क्लास है तो। ठीक है, प्रशांत, मोहन तिवारी, डेडमैन, गुड इवनिंग डियर, कैसे हो, क्या हाल है? ठीक है चलिए चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, प्यार का पौधा भी है, क्या बात है। तो चलते हुए देखते हैं कि साइंस के मिक्स क्वेश्चन अब तक जो आप पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, वो कहां तक आपके दिमाग में सेट करता है। देखो हम लोग यहां क्या करते हैं, जस्ट लाइक एक प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में आप कितने सवाल सही लगाते हो, कितने गलत लगाते हो, ये दिख जाता है यहां। और आज की से खुशखबरी आपकी कि 5:30 बजे भी आपको लाइव होना है। सर 5:30 बजे कहां लाइव होना है? तो कहीं नहीं, अनअकैडमी पे आपको आना है। कहां 5:30 बजे? बिल्कुल, मैं अपने टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि सर 5:30 बजे क्लास कहाँ होगा, अनअकैडमी पे होगा, बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हो देखते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, लेखपाल को केंद्र बिंदु में रखे या SI कॉन्स्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप जुड़ सकते हो अनअकैडमी पे, जहां मेरी क्लासेस 15 जून से शुरुआत हुई है। 15 जून से बैच शुरू हुआ है, जिनमें से 4-5 क्लास हुआ है, क्योंकि पिछले सप्ताह कोई क्लासेस हुआ नहीं है। ठीक है, बस रेफरल कोड याद रखना BA BA10 BA10। और ये टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं अभी अनअकैडमी का लिंक शेयर करूंगा, PDF शेयर कर दूंगा, तो बिल्कुल इस चैनल पे ज्वाइन कर जाना, भूलना नहीं। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, जल्दी। अच्छा, चुड़ैल की मौसी भी है, क्या बात है यार, कैसे कैसे बताओ जल्दी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? सर कहता है कि एसिड कौन सा मेल खाता है, भाई 7 से कम होगा वो एसिड होगा, 7 से ज्यादा होगा वो बेस होगा, और इक्वल टू 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब जरा बताना कि pH मीटर की खोज किसने की है, pH मीटर का आविष्कार किसने किया है, जल्दी pH मीटर का आविष्कार किसने किया है, pH मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जल्दी कितने लोगों को पता है pH मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? सबको आता है, लेकिन ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं जो गड़बड़ कर बैठे। pH मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो सर pH मीटर का आविष्कार बेकमैन के द्वारा किया गया, pH मीटर का आविष्कार बेकमैन के द्वारा किया गया। और pH वैल्यू की बात करेंगे तो SPL सोरेनसन गड़बड़ कर बैठे। मैंने pH मीटर पूछा है, pH वैल्यू नहीं, मैंने pH वैल्यू नहीं पूछा, बिल्कुल याद रखना। अरे भाई सोरेनसन वालों, रुको रुको रुको, ब्रेक लगाओ, गाड़ी पे अपनी ब्रेक लगाओ। मैंने pH वैल्यू नहीं पूछा, pH मीटर पूछा है, pH वैल्यू SPL सोरेनसन, pH मीटर बेकमैन, ब्रेक लगाओ अपनी गाड़ी पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग एम्पियर में धारा को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, जल्दी।
गड़बड़ कर बैठे ना। कुछ लोगों को पता नहीं 6 बजे ही क्यों समझ में आता है ये कि 6 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग एम्पियर में धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसका एमीटर होगा। क्या होगा? एमीटर होगा। कहते हैं सर एमीटर को एक मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में करंट को मापने के लिए किया जाता है। एम्पियर एमीटर एक मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में धारा को मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? धारा को मापने के लिए करते हैं। जबकि एरोमीटर की बात करेंगे, एरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे हवा और कुछ गैसों के घनत्व अन्य मापदंडों के बीच को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमीटर पूछा है आपके SSC वाले पेपर में कि एरोमीटर से हम क्या मेजरमेंट करते हैं। तो एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हवा और कुछ गैसों के घनत्व को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, वो एरोमीटर है। क्या है? वो एरोमीटर है। ठीक है। नेम अ टियर गैस विच इज यूज्ड इन राइड्स। एक आंसू गैस का नाम बताइए जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। C2H4KrN2OCS गैस। क्वेश्चन नंबर 3। आर्यन मौर्य, देखो इस सप्ताह पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा बच्चे। पिछला सप्ताह शुरू होना था लेकिन हमारी ना हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इस कारण से शुरू नहीं हुई। इस सप्ताह बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ठीक है। दिनेश पटेल जी, अनअकैडमी पे 5:30 बजे क्लास होगी, अभी जुड़ जाइएगा तुरंत क्लास के बाद। और रात के 10 बजे भी क्लास होगी, 2 क्लास आपको मिलेंगे देखने को। रात के 10 बजे स्टैटिक GK है, ये भी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे तो आप जुड़ते ही हो रेलवे के लिए। सर ये CS गैस है क्या? CN2O की बात करेंगे, ये हंसाने वाली गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस। सर CS गैस है ये, गलती मत करना, CS गैस है ये, यानी यौगिक 2 कंपाउंड 2 क्लोरो बेंजा मोलोनी निट्राइल एक साइनो कार्बन आंसू गैस का परिभाषित घटक है, जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं? CS गैस के रूप में कहते हैं, जिसे दंगा नियंत्रण एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। केले के पौधे की बीमारी का सबसे बड़ा कारण निम्नलिखित है। केले के पौधे में बीमारी देखने को मिलता है तो ये कौन किसके कारण? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। जल्दी बता दो क्या होगा? केले के पौधे की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस या फंग, इनमें से कोई नहीं। तो केले के पौधे की बीमारी की बात करेंगे सर, ये वायरस है। केले के पौधे की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? वायरस है, याद रखना। केले के पौधे की बात करें तो जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि केले का सबसे बड़ा प्रोडक्शन भारत में कहां? केले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में कहां? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन केले का। भारत में सबसे ज्यादा कहां? तो केले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तमिलनाडु में है। ठीक है। कहता सर केले के पौधे का जो शीर्ष रोग है यानी वायरस के कारण होगा, जिसके कारण पौधा बौना हो जाएगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी, पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेंगी और सभी पत्तियां क्या हो जाती है? कुमलेट हो जाती है, जम जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन सा शानदार योगदान साइंटिस्ट मिल्किन के साथ जुड़ा हुआ है? Which of the following spectacular contribution in physics is associated with the scientist Milken? भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन सा शानदार योगदान वैज्ञानिक मिल्किन के साथ जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रोनो, बोथ एंड बी, या देखो एक चीज समझना, ये दोनों एक जैसा है तो यहां कर दो none of these, यहां कर दो none of these। जल्दी बताओ। सर कौन सा शानदार योगदान साइंटिस्ट मिल्किन के साथ जुड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसके साथ जुड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ साइंटिस्ट मिल्किन के साथ जुड़ा हुआ है फिजिक्स में। प्रीतपाल कौर, क्या बात है।
हाँ बनाना एक सर्व है, बहुत बढ़िया। स्वीटी कुमार इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दो लोगों का जवाब सही दिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में आयनिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आयनिक इन नेचर? लिथियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी। कितनों ने और लगा दिया? कौन सा यौगिक प्रकृति में आयनिक नहीं है? सर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकृति में क्या है? ये आयनिक नहीं है। बाकी बात लिथियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड क्या ये आयनिक है। ये क्या है? आयनिक है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर सभी क्या करते हैं सर? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक बंधन बनाते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एक आयनिक नहीं है। What is the contribution of the scientist Otto Hahn and the Strassmann in physics? भौतिकी में वैज्ञानिक ओटो हान और स्ट्रासमैन का क्या योगदान है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फीजन, डायनामाइट या ननो दबाव? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी। ऑटो हान और स्ट्रासमैन की बात करें सर, परमाणु विखंडन यानी परमाणु बम की बात करते हैं। परमाणु बम, तो सर परमाणु विखंडन जो है ये परमाणु बम कहें या परमाणु विखंडन कहें, कोई अंतर? यानी एटम बम की बात करें, परमाणु बम की बात करें, देखो मैंने क्या किया यहां, परमाणु विखंडन कर दिया, परमाणु बम नहीं। सीधा सा सवाल रहता है कि सर परमाणु बम के आविष्कार की बात करें तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान और स्ट्रासमैन है। परमाणु विखंडन की बात कर, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं या जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किस पे डिपेंड करता है? परमाणु विखंडन पे। जबकि परमाणु संलयन की बात करेंगे तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब किस फंक्शन पे काम करेगा? परमाणु संलयन पे। जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे काम करेगा? परमाणु विखंडन पे। डायनामाइट की बात करेंगे सर ये कौन? तो भाई साहब जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, यानी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। आ गया, अब देखो सही है। अब हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में हमारी आवाज सही आ रही है? बताओ बच्चे जरा कमेंट बॉक्स में सर, बिल्कुल आपकी आवाज यहां पहुंच रही है। अब सही है? देखो यार एक्चुअली क्या होता है, नेट कनेक्टिविटी अचानक से कट गई, इस कारण से हमारी और आपकी जो कनेक्टिविटी है वो टूट गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखिए समझें। क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर कि पौधे की एक बीमारी का नाम बताइए जिसमें गहरे हरे रंग की हल्की भूरी सड़न घायल पौधों के ऊतकों के पास देखने को मिलता है, ये क्या है? ग्रे मोल्ड है। यानी पौधे की ग्रे मोल्ड बीमारी को किस नाम से जानते हैं? बोट्रिटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? बोट्रिटिस के नाम से जानते हैं। या पत्तियों और पंखुड़ियों जैसे पौधों के मरने या घायल होने के कारण होता है। यानी पत्तियां क्या हो जाती है? पौधे की मर जाती है, घायल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पौधे की ग्रे मोल्ड बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रे मोल्ड बीमारी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड द वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो एंड वायरलेस मैसेज? वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो और वायरलेस मैसेज का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, फर्मी, गैलीलियो, आइंस्टीन? क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, जल्दी। आहा देखो डेडमैन को देखो, आपस में बात चल रही है, डेडमैन और पता नहीं कौन है यार, जरा देखने दो।
हाँ ठीक है, आपस में चटिया लो, आपस में बात कर लो, जब बात क्या हो जाएगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। सर हम लोग फ्री हो गए हैं बात करके, अब जरा बता दो जवाब। तो कौन होगा? जी मार्कोनी, वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो, वायरलेस मैसेज का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। सिंपल सा सवाल था, अगर आपको पता था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने किया, निकल जाता। बस आप उलझ के रह गए, वायरलेस टेलीग्राफी देखा, वायरलेस मैसेज देखा, आप उलझ के रह गए, आप उलझ के रह गए। आई बात समझ में? अब जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना कि फर्मी ने क्या आविष्कार किया है, फर्मी ने क्या आविष्कार किया है, जल्दी, फर्मी ने क्या आविष्कार किया है, जल्दी। उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। नीम गैस यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम। नाइट्रस ऑक्साइड, क्रिप्टन, जेनॉन या रेडॉन? क्वेश्चन नंबर 10। अरे यार बनाना तो है नहीं, लेवल बढ़ाओ अभी, बिल्कुल पढ़ लो आराम से, दूसरों को परेशान ना करो। मैं देख रहा हूं केवल और केवल यही कह रहा है, सवाल तो बन नहीं रहे, बस लेवल बढ़ा दो। अगर आपको बहुत ज्यादा लेवल बढ़ाकर पढ़ने का शौक है ना बच्चे, तो यूपीएससी वाले चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे यूपीएससी लेवल पढ़ाए जाते हैं। क्रिप्टन, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम क्या होगा? क्रिप्टन होगा, याद रखना, क्या होगा? क्रिप्टन होगा। ठीक है भाई, क्रिप्टन होगा, बिल्कुल क्रिप्टन होगा, गलती मत करना। रेडॉन, एकमात्र बेचारा रेडॉन, एक तो वायुमंडल में पाया भी नहीं जाता है। रेडॉन कहेगा एक तो मैं वायुमंडल में मौजूद भी नहीं हूं और मुझे मुफ्त में बदनाम किए पड़े हो। तो क्रिप्टन का यूज करते हैं उच्च गति की फोटोग्राफी में। ठीक है, कहता है क्रिप्टन गैस का उपयोग उच्च गति की फोटोग्राफी में किया जाता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहेंगे। एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया, देखो जतिन कुमार ने बता दिया फॉर्मी की। पौधे का रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। नेम द डिजीज ऑफ प्लांट इन विच लीव्स, ब्रांचेज ऑफ फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड। स्पाइडर माइट्स, मेलीबग्स, एफिड्स या साइट्रस कांकेर? क्वेश्चन नंबर 11। रेणु जी, रेडॉन ना होगा, बिल्कुल एक बार देख लेना। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लेना, रेडॉन ना होगा। हाँ बिल्कुल गूगल कर लीजिएगा भाई। 7 बजे भी क्लास है आपकी, 7 PM भी क्लास होंगी, अभी 5:30 बजे अकेडमी पे भी क्लास होंगी, रात 10 बजे भी क्लास है, करो ना, कितनी क्लासेस करोगे भाई? सर साइट्रस कांकेर होगा, क्या होगा ये? साइट्रस कांकेर के कारण पौधे की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं, सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस पौधे की उत्पत्ति भैया सब कुछ चेन में होता है, क्यों? क्योंकि यह वायरस के कारण होता है। क्यों? एक चीज देखते हो कॉमन, वायरस से होने वाली बीमारी का जन्मदाता पापा फादर कौन है? चीन है। तो पौधे की इस बीमारी की उत्पत्ति भी चीन में हुई है, जिससे पत्तियां, शाखाएं, फल सभी रोग से प्रभावित होते हैं, सभी रोग से प्रभावित होते हैं। एक उपकरण का नाम बताइए जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी। सर एक उपकरण का नाम बताइए जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या निष्कासन होता है। कैथोड रे ट्यूब, क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ऑल ऑफ द अबव। सभी क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, जल्दी। 5:30 बजे भैया रेलवे की क्लास है, 5:30 बजे अनअकैडमी पे। देखो अनअकैडमी और यहां पे अंतर क्या पता है? वहां पे आप अपने रैंकिंग देख सकते हो, आप अपने रैंकिंग देख सकते हो कि अगर मैं 20 सवाल लगाया, 20 सवाल में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में हमारे रैंकिंग कहाँ है। इसीलिए जुड़िएगा जरूर 5:30 बजे भी अनअकैडमी पे। तंत्रिका तंत्र में सर क्या होगा? सब होगा भाई। तंत्रिका तंत्र में CNS भी है,
पीएनएस भी है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, नर्व भी है, यानी तंत्रिका तंत्र में ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी शामिल हैं। क्या होगा? उपरोक्त सभी शामिल होंगे। ठीक है, तो सर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का तारकीय और सौर स्रोत क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा जवाब जल्दी? ऊर्जा का तारकीय और सौर स्रोत क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, फीजन क्या होगा? सर अगर बात करें ऊर्जा का तारकीय और सौर स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, चाहे आप सूर्य की बात कर लें, चाहे स्टार की बात कर लें, ये किस पे डिपेंड करेगा? सर परमाणु संलयन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करेगा। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को हम हाइड्रोजन संलयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन संलयन भी कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है तारा में वो हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम, इसके बाद हीलियम देखने को मिलता है। ठीक है, यानी क्या होगा? परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो स्टेलर और सौर ऊर्जा संलयन प्रतिक्रियाओं के कारण है, तो तार के ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? परमाणु संलयन होगा, हाइड्रोजन संलयन होगा। भाई अब ये बताओ, ये किसकी क्लास करने के लिए आए हो? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे की क्लास में जुड़ेंगे और ये तक नहीं पता है सर ये सवाल किस क्लास के लिए। भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नाइन्थ और टेंथ की तैयारी कर रहे हो। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेविड थॉमसन या मैरी फ्रैंकोइस। जल्दी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, याद रहेगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए, तो ये था आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरा बताइएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद से डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के माध्यम से कॉर्क के एक पतली स्लाइस की जांच करते हुए कोशिकाओं की खोज की थी। तो सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी 5:30 बजे लेक्चर है अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री, जहां पर आप आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, कैसे जुड़